को भी। तो इस टाइम हम खैबर खैबरी नान शॉप पे जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ पे कताइयाँ बनाते हैं, ये काफ़ी टेस्टी होती हैं इनकी कताइयाँ। तो हम आज उसका रिव्यू करते हैं, तो आपको इसका बनाने का तरीका और जो किस तरह बनाते हैं, ये तंदूर में बनाते हैं, ये सारा जो है ना आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं आपको। ये इनका मटेरियल है जिससे ये तैयार करते हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये इस मटेरियल में क्या क्या ऐड करते हैं। अस्सलाम। तो ब्रदर, आप इस मटेरियल में क्या क्या शामिल करते हैं? भाई इसमें अंडे हैं और चीनी है और क्या नाम है इसका, मैदा है इसमें और इलायची है। सही हो गया। तो कितने 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 मकदार में यूज़ करते हैं आप? हाँ जी, कितनी मकदार इसकी कितनी होती है? इसकी मकदार होती है जी 1 किलो चीनी होती है। अच्छा। और 1 किलो घी होता है। सही है। और 1 दर्जन अंडे होते हैं। सही हो गया। तो इसमें ये मटेरियल होता है और इलायची होती है। सही हो गया। तो कितनी देर आप इसे रखते हैं? इसको रखते हैं तंदूर में तकरीबन 15 से 20 मिनट रखते हैं। 15 से 20 मिनट। हाँ जी, वो तैयार हो जाती है। उसके बाद इसका मटेरियल तैयार हो जाता है। हाँ जी, सही है। तो ये आप अब क्या ये लगा रहे हैं? ये इसके सांचे वगैरह जिसमें ये बनाते हैं, इसमें गोल गोल अंडे बना के ये अंडे बना के इसमें रखते हैं, इसमें रख के और इसको हाथ से फिर करते हैं, इसके बाद तंदूर में रख देते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये इनका बड़ा एक डिफरेंट सा स्टाइल है ये क्या बनाने का। और ये सब तंदूर में बनाते हैं ये। दही है उसके अंदर जो है ना, ये एक अंडा ऐड करेंगे। हाँ। तो उसके बाद जो है ना, ये इनके ऊपर जो है ना, ये सारी इन्होंने बनाई है, जो इनके ऊपर ये लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा जो है ना सुरखपन जो है ना उसमें आ जाएगा, बनेगा जब उसके बाद। देखें अभी हाथ की मदद से जो है वो उसको ला रहे हैं, साथ लगा रहे हैं। अब जो इन्होंने मटेरियल थोड़ा सा तैयार किया था दही और अंडे वाला, वो अब इसमें लगा रहे हैं। तेल पड़ी थी।
तिल जो अमूमन नानों के ऊपर लगते हैं। ये सारा जो है इस टाइम तैयार हो गया है सारा। अभी ये तंदूर में रखने लगे हैं। स्पेशल स्टैंड से इन्होंने बनवाए हुए हैं, से ऐसे रखे हैं। ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तंदूर में कितना टाइम लगेगा ऐसे बनने में? तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। 15-20 मिनट ये तंदूर में ऐसे रहेगा पड़ा हुआ, तंदूर में पकते ही सही होगा। देसी तंदूर है जी, इसमें ये तैयार करते हैं इस तरह। फैबरी नान शॉप है ये, ईटन वैली के पास है, चार चक चौक पे शॉप। ये देखें अभी थोड़े थोड़े जो है फूल हैं, ये अभी इनको थोड़ा सा टाइम और है 5-7 मिनट, उसके बाद ये इंशाल्लाह फिर रेडी हो जाएगा। अभी इन्होंने तंदूर है खोला है, ये देखें आप कितने ऊपर से खूबसूरत हो गए हैं, सुरख सुरख हो गए हैं ऊपर से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। इन्हें बाहर निकालते हैं। देखें जी कितनी तो अंदर तक जो है बनी हुई है। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।